हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है या उपयोगी लगता है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और उसके बगल में जो आइकॉन की घंटी है उसे हिट कर दीजिए, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अभी बहुत तेज ठंड पड़ रही है, और ठंड तो अमीर गरीब दोनों को लगती है। ऐसा नहीं है कि अमीरों को ज्यादा लगती है और गरीबों को कम लगती है, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास और भी बहुत सारे सामान है जिसकी वजह से वो ठंड से बच जाते हैं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली क्या करे? मान लीजिए अगर दिन भर वो हीटर भी नहीं जला सकते हैं क्योंकि बिजली बिल बहुत आ जाएगा। तो चलिए, छोटे छोटे जुगाड़ करके हम ठंड से बच सकते हैं। ये वो जुगाड़ है जो हम खुद अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब में या टीवी में या बुक में पढ़ के हम आपको बता रहे हैं। ये वो है जो हम खुद अपने घर में करते हैं। हम अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मान लीजिए कि थोड़ा देर हम हीटर जला ले, रूम गर्म भी हो जाए, लेकिन फिर अगर खिड़की खुला है, दरवाजा खुला है, तो फिर बाहर से सर्द हवा आके फिर से रूम ठंडा हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों कि हम चारों साइड से रूम को बंद भी कर ले, दरवाजा बंद कर दे, खिड़की बंद कर दे, तो भी ठंडी हवा आ ही जाती है रूम में, क्योंकि हम हर किसी के घर में वेंटिलेटर होता है जिससे ठंडी हवा अंदर आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेंटिलेटर को बंद कर देंगे। तो परमानेंट तो वेंटिलेटर को हम बंद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी मान लीजिए कि हवा चल रही है, ठंड है, तो हम वेंटिलेटर को बंद कर देंगे, लेकिन बाद में गर्मी हो गया या फिर बरसात हो गया, या हमेशा बंद रखने से रूम सफोकेशन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, टेम्पररी उसको बंद कर देंगे। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम देखिए इस तरह का, देख रहे हैं, इस तरह का कार्टून बाजार में मिलता है, या फिर हमारे यहाँ सामान आता है तो भी रहता है। और अगर वो भी नहीं है तो हम जहां से सामान लेते हैं, प्रचून का या जो भी, उनको कहेंगे भैया हमको एक कार्टून चाहिए, दे दीजिए, तो वो हमें दे देंगे। पैसा से भी कितना, 10 रुपया लेंगे और कितना लेंगे, लेकिन ये है बड़े काम का। आप क्या करेंगे, अब ये पूरा बॉक्स तो आप लगा नहीं देंगे तो क्या करेंगे, यहां से हम ये कटिंग करके इतना इसको चौकोर निकाल लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से जितना बड़ा मेरा वेंटिलेटर है उस हिसाब से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको अगर हम लगा देंगे तो आप कहेंगे कि मान लीजिए बहुत तेज हवा चल रही है तो गिर जाती है, और हम लगाते हैं तो हमारे भी गिर जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें छोटा छोटा पेन से या किसी चीज से होल कर देंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत एयर मतलब अंदर बाहर हो, जिससे क्या होगा कि ये गिरेगा नहीं, फर्स्ट। सेकेंड क्या करेंगे हम कि डबल टेप ले लेंगे। जैसे ये देखिए, अभी मेरे पास है नहीं दोस्तों, मैं फोटो डाल दूंगी डबल टेप कैसा होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये सिंगल टेप है, पर मैं आपको बता देती हूँ कैसे यूज करना है। ठीक है, ये देखिए, एक सेकंड, खुल गया भाई। मान लीजिए ये देखिए, ये दिख रहे हैं, इसमें क्या है कि इधर से गम है और ये भाग जो है इधर गम नहीं होता है। ठीक है, इसको हम नहीं लगाएंगे। हाँ, डबल टेप वो होता है जैसे इधर गम है और इधर भी आपके गम रहेगा, लिए इधर भी रहेगा, वो कागज चिपका हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे, जिधर गम है उसको हम इसमें लगा देंगे, इसमें, और इधर भी क्या करेंगे, उसको काट लेंगे, जितना बड़ा लगाना है उसको काट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें चिपका कर ऊपर से वो एक कागज लगा हुआ रहता है उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद क्या होगा कि इधर भी गम रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि एक गम एक यहाँ लगा लेंगे, ये देखिए, एक यहाँ लगा लेंगे, एक यहाँ लगा लेंगे, एक यहाँ लगा लेंगे, एक यहाँ, और बीच में भी चाहिए तो वो लगा लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि हम इस एक पार्ट तो इसमें चिपका हुआ और दूसरा पार्ट जो है वो वेंटिलेटर के उसमें जो जाली रहता है उसमें लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि हवा चलने के बाद भी वो गिरेगा नहीं। ठीक है, एक तो ये हो गया जुगाड़। दूसरा क्या है कि खिड़की, खिड़की में मान लीजिए अगर कांच की आपकी खिड़की है तो बहुत ठंड हो जाती है, देखेंगे कि उसमें कोहरा टाइप का वो पूरा सफेद 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 पूरा ना वो भर जाता है।
ठीक है, उसकी वजह से भी हमारा रूम ठंडा होता है। तो हम क्या करेंगे कि पर्दे को निकाल देंगे खिड़की से। उसके बाद जो उसका जो ग्रिल रहता है ना, ग्रिल में हम क्या करेंगे कि ये देखिए, ये उलन है, शॉल है, कोई भी पुराना शॉल जो है, उसको क्या करेंगे हम ऐसे लेके चौकोर ऐसे करके वो खिड़की के हिसाब से हम उसमें लगा देंगे। मान लीजिए अगर बहुत पुराना है तो हम छोटे छोटे कील भी मार सकते हैं, वो पेपर यहाँ पे देके, चौकोर पेपर देके तब मारेंगे, क्योंकि ये मेरा खराब ना हो, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके खिड़की का ग्रिल किस टाइप का है, नहीं तो फिर सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं हम उसमें। अच्छा, मान लीजिए आपके पास उलन नहीं है पुराना कोई भी, तो हम कॉटन का चादर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हवा आना बंद हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे कि हम फिर पर्दे को टांग देंगे, तो उससे क्या है कि बाहर से खराब भी नहीं लगेगा, दिखेगा भी नहीं। और जब मान लीजिए कि सर्दी खत्म हो गई तो हम वो जो शॉल टांगे हैं उसको निकाल के धोधा के फिर रख देंगे, ठीक है। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा क्या करना है हम लोगों को कि मान लीजिए कि हम काम धंधा करके सब घर रूम में आए, और आते ही सीधे आदमी बिछावन में चला जाता है। बिछावन में जाने के बाद क्या होता है कि वो जो बिछावन पे पैर जो आप ऐसे रखेंगे ना, तो वो इतना ठंड रहता है, इतना ठंड रहता है कि बिछावन को गर्म करने में 2 से 3 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो उसका भी एक बहुत ही सरल उपाय है, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। ये देखें, इस टाइप का कंबल आता है, देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके घर में कोई पुराना कंबल है जिसका कलर फेड हो गया है, या फिर उसमें का मान लीजिए कि बबल आ गया हो, या आप उसको यूज करते करते मन भर गया अब नहीं करना है यूज, या फिर नया भी हो, जैसा आपको सुविधा हो उस हिसाब से क्या करेंगे हम, नीचे कॉटन चादर बिछा है बेड पे, उसके ऊपर से हम इस चादर को बिछा देंगे, ठीक है। बिछा देने के बाद ये तो उलेन है, हम जैसे ही बिछावन पे जाएंगे और बिस्तर के ऊपर जाएंगे तो हमें ठंड नहीं लगेगी। मुश्किल से आप 10 या 15 मिनट बैठेंगे तो, और जाते ही आपको उसका फर्क महसूस होगा, जो कॉटन चादर रहता है और ये जो उलेन चादर है। और भी एक बात है कि मान लीजिए आपके पास अगर ये कॉटन चादर नहीं, अगर ये उलेन चादर नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप अभी तो ठंड में कहीं भी आप जाएंगे तो रोड के किनारे, मार्केट के बाहर लोग, मतलब रोड किनारे बिकता रहता है इस टाइप का उलेन चादर, आप वहां से ले आइए मुश्किल से 100 या 150 में। या फिर मॉल में जाएंगे तो आजकल मॉल में प्लेन भी आता है, एकदम जैसे मैरून हो गया, ब्लू हो गया, मतलब आपको जो पसंद है वो आजकल चादर तरह टाइप का प्रिंट भी आता है ब्लैंकेट में, आप वो भी ले सकते हैं। एक चादर अगर ले लेंगे तो कितने सालों साल चलेगा आपका, सोच लीजिए। और कितनी खर्च है, मुश्किल से ज्यादा कितना, 300, ठीक है। ये हो गया। चौथी बात है, जब हम रात में सोने जाते हैं या दिन में भी जब बहुत ठंड है, तो दरवाजे के नीचे ना देखेंगे कि वो थोड़ा सा गैप रहता है, उससे भी हवा आती है, आप कितना भी कर लेंगे तो फिर भी रूम ठंडा हो जाएगा। तो उसकी जगह पे कोई बोरा हो गया पुराना, वो लगा सकते हैं, या फिर बच्चे का स्वेटर जो, मतलब कुछ भी जो आपके पास वेस्टेज है उसको लगा दीजिए, नहीं तो फिर पावदान लगा दीजिए। हाँ, एक ये हो गया। तीसरी बात है कि बेड के नीचे ज्यादातर लोग को देखिएगा, इतना छोटा छोटा पौधान रखते हैं, वो पैर पोछना जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल भाषा में, तो हम थोड़ा बड़े वाला लेंगे, ठीक है, जो मतलब लंबा सा आ जाए, वो रख लेंगे, उससे भी ठंड थोड़ी कम लगेगी, ठीक है। क्या करेंगे हम, रूम को बंद करके 10 या 15 मिनट मान लीजिए रूम हीटर लगा लिए, रूम गर्म हो गया, उसके चारों तरफ से अपना पैक कर दिए, और वेंटिलेटर भी बंद है, खिड़की में भी आप लगा चुके हैं, दरवाजे के भी नीचे लगा देंगे तो रूम गर्म रहेगा, ठीक है। और हाँ, और एक उपाय है, जमीन पे भले गर्मी में आप जमीन को ऐसे ही रखिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ठंड में हम क्या करेंगे कि उस पे दरी बिछा देंगे, या फिर मोटा चादर कोई है वो बिछा देंगे, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी बिछा दीजिए जिस पे बच्चे उतरे खेले, या फिर हम भी कोई काम करें तो उस पे भी बैठ के कर ले सकते हैं। सोफा हो गया, उसके ऊपर उलन चादर डाल दिया, मतलब वो अपने ऊपर है, थोड़ा थोड़ा जुगाड़ तो हम गृहिणी को आता ही है करने के लिए। ये हो गया। एक और समस्या है, वो है ठंडे पानी की, खास करके हम लोगों को, औरत लोगों को होता है। जैसे सुबह उठ के गए किचन में, किचन में जैसे ही नल खोलेंगे तो पूरा हाथ बिल्कुल ठंड हो जाएगा, मतलब आपको कुछ भी करने का उसके बाद मन नहीं करेगा। ये थोड़ा सा क्या बोले उसको, मतलब थोड़ा तो मुश्किल वाला है, लेकिन चाहे तो कर सकते हैं। वो ये है कि रात में अगर आपका अपना घर है तो मोटर होगा, सबके घर में होता है, तो रात में पानी थोड़ा कम चलाइए, ठीक है। इतना चलाइए कि मतलब लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए रात में हो, फिर सुबह उठ के क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पानी रहेगा तो नल खोल के हम पानी गिरा देंगे,
नहीं गिराएंगे तो जैसे लैट्रिन में डाल दिए पानी भर के, या पेड़ पौधा को डाल दिए, उसके लिए पानी को बकेट में छान के अलग रख लेंगे, पेड़ पौधा में डाल देंगे, पानी भी बर्बाद नहीं होगा। और हम फिर मोटर चला देंगे, उससे क्या होगा कि हमारे टंकी में जो है वो ताजा पानी जाएगा, फिर नलके में भी ताजा पानी आएगा। उससे क्या होता है कि बहुत गर्म तो नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी इतना तो जरूर गिरता है पानी, जिससे कि आप आराम से काम कर सकिए। तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ करके दोस्तों हम गृहिणी अपने ठंड से बच सकते हैं, और ये बजट फ्रेंडली भी है, बहुत ज्यादा इसमें खर्च भी नहीं है। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगता है, या आपके किसी भी काम के आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा ब्यूटी के ऊपर आएगा, क्योंकि मैंने ब्यूटी के ऊपर कोर्स किया है, आपको एक से एक वीडियो देखने के लिए मिलेगा। अभी तो ठंड है इसलिए हम आपको ठंड के बारे में बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्क्रब के बारे में बताएंगे कि स्किन के लिए स्क्रब कितना जरूरी है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है? तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें।